नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, स्वागत है आपका मेरे अपने चैनल टिकू मोटोलॉग्स में। दोस्तों देखिए, कभी कभी ये बात होती है कि हम अभी राइडिंग पर जाते हैं तो राइडिंग पर जाते वक्त हमको लगता है कि भाई हमारे पास में टोटल जो गियर्स है वो प्रोफेशनल की तरह सब गियर्स हमारे साथ में हो ताकि हम पूरा प्रोफेशनल लगे। और प्रोफेशनल लगने से तो अच्छा है, मेरा कहने का मतलब एक है कि भाई हमको जो है इंजरी ना हो। अगर हो भी जाता है, दुर्घटना होती है, तो दुर्घटना में हमको कम से कम चोटें आए। तो कैसा है, मोटर बाइक पे हम जाते हैं, हमको पता नहीं रहता है कि रोड स्कीडी है या तो फिर हम रास्ते पर चलते हैं तो कभी ना कभी हो जाता है, गलती से हमारी बाइक स्लिप कर जाती है, एक्सीडेंट हो सकता है। तो इसकी वजह से राइडिंग पर जाते वक्त सेफ्टी रखना ज़रूरी है दोस्तों। तो इसकी वजह से मैंने खुद ने भी मेरे लिए एक राइनॉक्स कंपनी का जैकेट मंगाया है, तो आज मैं आपको उसका रिव्यू देने जा रहा हूँ। तो चलिए उसका रिव्यू हम करते हैं। तो और ऐसे ही अच्छे अच्छे रिव्यू देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। तो स्वागत है दोस्तों आपका मेरे चैनल टिकू मोटोलॉग्स में। तो जैसे कि दोस्तों मैंने आपको बताया कि देखिए मैंने जो मंगाया है ये है राइनॉक्स का टोर्नेडो 4 प्रो जैकेट मंगाया मैंने, आप देख सकते हो ये देखिए। सबसे पहले तो मैं आपको इसका लुक दिखाना चाहूँगा, ये देखिए। और मैं आपको ये पहना कर भी दिखाऊंगा। तो मैं आपको थोड़ी सी इसके बारे में इसकी रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। इसमें आर्मर कौन से लगे हैं मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। देखिए इसमें जो है तो ये चेस्ट आर्मर लगे हैं, शोल्जर आर्मर लगे हैं, यहाँ पर फिर बैक आर्मर भी लगे हैं, एल्बो गार्ड भी है यहाँ पर। तो इस तरह से यहाँ पर टोटल आर्मर दिए हुए हैं। और ये जो ब्रांड है दोस्तों ये है राइनॉक्स कंपनी का ब्रांड है, राइनॉक्स टोर्नेडो 4 प्रो। तो नियॉन कलर का मैंने ये लिया है, नियॉन जो रात में भी अच्छी तरीके से चमकता है। और देखिए इसमें एक ख़ास बात भी मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ, क्योंकि जैसे कि अभी ये जो है तो यहाँ पर ये स्ट्रेचेबल स्ट्रिप दी हुई है, ये वाइट कलर वाली, ये स्ट्रेच हो जाती है ताकि हमको जो आर्म है हमारा मूव करते वक्त हमको ज़्यादा स्ट्रेस ना मिले। और यहाँ पर जो है नाइट में विजन हो, इसलिए ये तो है नियॉन कलर की, साथ ही साथ में ये जो है 3M के इसको क्या बोलते हैं ये रिफ्लेक्टिव स्ट्रिप्स भी यहाँ पर दी हुई है, ये दोनों तरफ से दी हुई है, फ्रंट साइड और ये जो है ये बैक साइड है दोस्तों। तो अब ये बैक साइड इस तरीके से आप देखिए, ये है इसका बैक साइड टोटल। तो मैं अभी ये बाकी का जो रिव्यू है इसका, तो मैं आपको ये जैकेट पहना के आपको इसका रिव्यू देता हूँ ताकि मैं अच्छे से आपको इसकी जानकारी दे सकूँ। तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों अभी इसको मैंने पहन लिया है और देखिए पहनने के बाद में मैंने इसको पूरी तरह से टाइट किया नहीं है अभी। ये जो जिपर्स है ये मैंने आपके लिए यहाँ पर छोड़ कर रखे ताकि मैं आपको अच्छे से दिखा सकूँ। अभी देखिए जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, ये देखिए आपको मैं कैमरे में एडजस्ट करके दिखाता हूँ, ये देखिए यहाँ पर भी ये जिप दी हुई है, देखिए इस तरीके से। अगर हमको कहीं राइडिंग पर जाना होगा, यहाँ पर भी वेलक्रो दिया हुआ है टाइट करने के लिए, यहाँ पर भी वेलक्रो दिया हुआ है ताकि ये ज़्यादा लूज ना रहे। तो मैं आपको एक बाह की तरफ से मैं आपको ये टाइट करके दिखाता हूँ, इसको इस तरीके से ये टाइट हो जाता है, जितना चाहिए उस हिसाब से हम इसको टाइट कर सकते हैं। उसके बाद में ये भी इस तरीके से टाइट हो जाएगा, यहाँ पर ये जिप लगा के ये जो है हम यहाँ पर इसको ऐसा कस देंगे। तो देखिए ये इस तरीके से ऐसा टाइटन हो जाता है दोस्तों। अगर आपको ज़्यादा टाइट लगता होगा तो इसके ये एडजस्टेबल है, ये इस तरीके से हम इसको लूज़ भी रख सकते हैं। तो ये दोनों तरफ से ये हम एडजस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये दोस्तों मैंने अभी नया लिया है तो इसकी वजह से मैंने इसको ज़्यादा एडजस्ट किया नहीं है। तो मैं ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए आपको पहनकर दिखा रहा हूँ इसे। अब इसके साथ में मैंने अभी तक कोई सफ़र भी नहीं किया है तो मैं आपको ये सब दिखाना चाहता हूँ। तो दोस्तों इसके अंदर कुछ ये कागजात है, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊँगा। देखिए तो सबसे पहले मैं इसका पहले रिव्यू दे दूँ आपको, ये थोड़ा साइड में रख देते हैं अभी। तो अभी देखिए ये जो है साइड से एडजस्ट करने के लिए भी यहाँ पर ये हमको दिया हुआ है, ये हम इसको स्ट्रैप में से निकाल कर, इसको वेलक्रो भी कहते हैं, तो ये निकाल कर हम यहाँ पर फिट करवा सकते हैं ऐसा।
तो जैसे कि अभी मैं ये पैक करवा लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये इस तरीके से फिट हो जाता है। उसके बाद में ये स्ट्रैप आप लगा लीजिएगा, ये देखिए, और आपको सब जैकेट का मिल कैसे लगता है। तो दोस्तों ये जो साइज़ है, ये मेरे लिए जो है कंफर्ट जो था वो एक्सेल साइज़ था, तो एक्सेल ही मैंने मंगाया है। और याद रखिएगा, इसके साथ में हमको जो रेन लाइनर या तो फिर जो गर्मी के लिए जो लाइनर रहता है, तो इसके साथ में नहीं मिलता है, हमको वो अलग से परचेस करना पड़ता है। तो ये राइनॉक्स की क्या पॉलिसी है मुझे पता नहीं, लेकिन इन्होंने पॉलिसी बदल दी है, तो इसके वजह से हमको वो अलग से लेना पड़ेगा। जो शायद मैंने अमेज़ॉन पे देखा था, जो रेन लाइनर है तो वो कुछ 900 का मिलता है, और थर्मल लाइनर जो है तो वो 1200 तक मिल जाता है। उसके अलग अलग प्राइसेस कम ज़्यादा हो सकते हैं दोस्तों, थोड़ा बहुत 150 की बात है, वो तो अलग से हो सकते हैं। तो ये इस तरीके से जैकेट के बारे में मैंने आपको रिव्यू दे दिया है। तो यहाँ पर जो है ये बहुत ही अच्छा सा कम्फर्ट यहाँ पर मुझे महसूस होता है दोस्तों। ये देखो, एल्बो गार्ड भी यहाँ पर आ गया, ये फिर आपका शोल्डर का ये जो है गार्ड, ये भी यहाँ पर आ गया पूरी तरीके से। यहाँ पर जो है चेस्ट आर्म जो है, चेस्ट गार्ड या आर्म, ये भी यहाँ पर आ गया। और पीछे से जो है ये तो बैक में, तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें जो आर्मर लगे हुए हैं वो है सेफ्टेक के है, सेफ्टेक, और ये सी सर्टिफाइड सेफ्टेक के आर्मर है। ये देखिए, सी सर्टिफाइड सेफ्टेक के आर्मर यहाँ पर दिए गए हैं। और ये जो ब्रांड है, आपको जैसे कि पता है राइनॉक्स का ब्रांड है, और इसकी प्राइस कहीं भी जाएंगे तो आपको पूरे भारत में उसकी एक ही प्राइस मिलेगी, तो प्राइस में आपको नहीं बताऊंगा। तो उसके बाद में दोस्तों, इसके साथ में हमको ये जो है 50,000 का हमको यहाँ पर वन ईयर के लिए विंगमैन, राइनॉक्स विंगमैन की तरफ से एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर भी मिला है दोस्तों। ये देखिए, कॉन्ग्रेचुलेशन लिखा हुआ है, आप पोज करके देख लीजिएगा। तो ये हमको एक्सीडेंट कवर 1 ईयर के लिए भी मिलता है, और अच्छी बात है। और हाँ, उसको रजिस्टर करने के लिए हमको rhinoxgears.com/wingman यहाँ पर जाकर हमको ये जो पॉलिसी है ये रजिस्टर करानी पड़ेगी दोस्तों, तब जाके हमारी ये पॉलिसी इशू हो जाएगी। तो बस आज के लिए इतना ही, ये था राइनॉक्स टोर्नेडो 4 प्रो के बारे में मैंने आपको रिव्यू दिया है। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। साथ ही साथ में आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे इसलिए बेल के आइकन पर भी क्लिक कर देना दोस्तों, और ऐसे ही मेरे साथ में लगे रहिएगा, ताकि मैं आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे चीज़ों के बारे में रिव्यू देता रहूँ।